मॉर्निंग के 10 बजे हम देहरादून से निकल करके मशहूरी की तरफ निकल चुके हैं और मशहूरी से देहरादून का ऐसा व्यू दिखता है। अभी हम देहरादून और मशहूरी के मिड पॉइंट पे हैं और कुछ ही देर में यहाँ से आगे निकलेंगे तो दिखाएंगे दोस्तों ऊपर से कैसा व्यू लगता है, कैसा व्यू दिखेगा आपको। हल्का धुंध छाया हुआ है, हालांकि बारिश उतनी तेज़ नहीं थी, अगर बारिश तेज होती तो आपको क्लियर व्यू दिखता है यहाँ से। तो चलते हैं दोस्तों आगे कैसा होता है बताते हैं आप। अभी हम पहुँच चुके हैं मशहूरी मॉल रोड और यहाँ से आगे आप जब देखते हो तो एक मिनी रोपवे यहाँ से जा रहा है जो आपको स्टॉप पे लेके जाएगा और वहाँ पे कुछ बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ है तो एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। और पुराने ज़माने में जो पहाड़ों में ऐसे हट बनाए जाते थे, ऐसे हट यहाँ पे बनाए गए हैं तो इसमें आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। और इसके अलावा अभी जो पुराने हट को रिनोवेशन कर रहे हैं लोग, इस टाइप से कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर ही बताया गया है कि भाई आप पुराने हट को कैसे रिनोवेशन कर रहे हो। और यहाँ से दिखता है आपका पूरा देहरादून, हालांकि फॉग लगा हुआ है उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। ये पूरा देहरादून वाला इलाका है और रूम्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों आप भी अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए यहाँ पे। और इंडियन फ्लैग यहाँ पे बहुत ही बढ़िया और रॉपवे का भी नज़ारा बहुत बढ़िया है। अगर आप विंटर में यहाँ पे आते हो स्नोफॉल के टाइम पे यहाँ पे आपको स्नो भी मिल जाएगा और काफ़ी बढ़िया व्यू मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। और मशहूरी से बैक साइड वाला जो हिल पड़ता है वो ये रहा आपके सामने। और यहाँ देखने से लगता है कि ये एरिया अभी ही डेवलप हुआ है क्योंकि गांव में अभी रोड गई है, देखने से लग रहा है। हालांकि मशहूरी पहले से ही बहुत ही पॉपुलर रहा है, बहुत ही फेमस रहा है, लेकिन इसके बैक साइड में जो दूर दूर जो गांव हैं उनमें भी आज काफ़ी टाइम के बाद, उत्तराखंड बनने के 15 से 20 वर्षों के बाद यहाँ पर रोड पहुँची है। तो ये है आपका धनौल्टी, इधर से पड़ता है धनौल्टी और बहुत ही बढ़िया व्यू। वेदर कंडीशन चेंज होती जा रही है और जाते जाते रेनफॉल ना हो जाए कहीं पे। तो अभी यहाँ से हम जाएंगे दलाई लामा हिल्स। तो दिखाते हैं आपको उधर का व्यू और क्या फेमस है वहाँ पे उसके बारे में बताएंगे आपको। और यहाँ से जाने के बाद अब हम जा रहे हैं दलाई लामा हिल्स। यहाँ पे लॉर्ड ऑफ बुद्धा का एक स्टैचू बना हुआ है ऊपर टॉप पे और पास में ही एक टेंपल है। तो दो अलग अलग रास्ते करते हैं। ऑन दी वे आपको बहुत सारे तिब्बतन फ्लैग मिल जाएंगे और चाय की दुकानें। अभी यहाँ से चलने के लिए आपको हाइकिंग करके ही जाना होगा 500 मीटर्स अप्रॉक्स, इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और वो टॉप से आपको दिखेगा बहुत ही बढ़िया व्यू। बहुत सारे तिब्बतन फ्लैग लगे हुए हैं क्योंकि तिब्बत में यही फ्लैग बहुत ज़्यादा फेमस है। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने के कारण कभी कभार समर में यहाँ पे जगह नहीं मिलती है। आज तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि हम मॉर्निंग के टाइम जल्दी आ चुके थे यहाँ पे। और इसी के बैक साइड से आपको दिखता है LBS मसूरी का, जहाँ पे IAS PCS का ट्रेनिंग सेंटर है। अभी हम पहुँच चुके हैं टॉप में। टॉप में ये स्टैचू बना हुआ है, कुछ लोग साइकिल से भी आए हुए हैं
और दूर दूर जो माउंटेन दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे छोटे छोटे विलेज, इसी के बैक साइड में एक होटल है जहाँ पे हेलीपैड वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। और ये टेंपल, जो बुद्धा टेंपल बोल रहा था मैं, तो आइए दोस्तों आप भी अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए। काफ़ी बढ़िया व्यू है और व्यू का आनंद लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके लिए बढ़िया वीडियो बनाएं।